हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सभी का एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, इस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी दो दो वीडियो बना के रखा हूँ। आपने जो वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखा है, इस टॉपिक का ऊपर मैंने दो दो वीडियो बना के रखा हूँ। एंड ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ भी हुआ था, जहाँ पे मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हो गया था। यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रहा था कि दिस अकाउंट इज नॉट अलाउड टू यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्कैम बोल के। तो मेरे साथ भी हुआ था एंड मैंने अपना व्हाट्सएप को फिर से जैसे कि ऐसे कर लिया, बोले तो अनब्लॉक कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, फिर भी बहुत सारा दोस्त ने कमेंट कर रहा था कि भाई मेरा व्हाट्सएप अभी भी रिटर्न नहीं आ रहा, ऐसे बोल के कमेंट आया। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले आप जाइए, मेरा दो दो जो वीडियो है वो दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो दो वीडियो देख लीजिए। आपका प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट नहीं होते देन ये वीडियो को आप देखिए, डेफिनेटली 100% आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, कैसे करता है मैं आपको स्टेप वाइज दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मोबाइल स्क्रीन में चलता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुका अपना फ़ोन का स्क्रीन में। तो आप अपनी फ़ोन का स्क्रीन में चला जाइए, देन आप कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन कर चुका हूँ, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे सर्च करूँगा व्हाट्सएप वेब बोल के सर्च करूँगा। सर्च हो जाने के बाद सबसे पहला वाला जो वेबसाइट मेरा सामने निकाल के आता है व्हाट्सएप वेब बोल के, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दूंगा। देने के बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो राइट साइड में टॉप कॉर्नर में देखिए, आपको थ्री ऐसा डॉट लाइन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड नीचे वाला ऑप्शन देखिए, गेट इन टच बोल के आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। देने के बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आता है, यहाँ पे बोलेगा कॉन्टैक्ट आस बोल के आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा, जो मैंने मार करके रखा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। देने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा जो वो लोग मांग रहे हैं। लाइक यहाँ पे कौन सा कंट्री, जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने दूसरा कंट्री से बिलोंग करते हैं तो दूसरा कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी कंट्री यहाँ पे आ जाते हैं। देन ये जगह में आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो नंबर पे व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप वाला ने, या ब्लॉक हो गया, वो नंबर को यहाँ पे देना पड़ेगा। देन यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। ईमेल एड्रेस इसलिए आपको चाहिए, कुछ अपडेट आता है तो वो लोग आपको ईमेल के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके बाद उसका नीचे आता है कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस, तो वही ईमेल एड्रेस को फिर से दे दीजिए। एंड यहाँ पे बोला है हाउ डू यू यूज़ व्हाट्सएप, आप अपने व्हाट्सएप को किस डिवाइस में यूज़ करते हैं, जैसे एंड्रॉयड, आईफोन, व्हाट्सएप डेस्कटॉप बोल के ऐसे आधार दे चुका है। तो इसमें से आप अपनी डिवाइस को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने एंड्रॉयड को सिलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर मैसेज बिलो, यहाँ पे जाके आप अपनी कमेंट लिख दीजिए, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे लिखेंगे हेलो व्हाट्सएप टीम, आई यूज़ थर्ड पार्टी व्हाट्सएप, दैट्स वाई माई अकाउंट इज़ ब्लॉक, सो प्लीज़ अनब्लॉक माई अकाउंट, इतना सा लिख दीजिए। चलिए, आप लोगों के लिए उस लाइन को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप सिंपली उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बोल के जो ऑप्शन देखने को मिलता है, जो मैंने मार किया हूँ, यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। देने के बाद विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे अनब्लॉक करा दिया जाएगा। तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जो प्रॉब्लम क्यों होता है, ये प्रॉब्लम तभी होता है जब आप अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर को दूसरा तीसरा थर्ड पार्टी व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, वहाँ पे लॉगिन करते हैं। जैसे आपका है GB व्हाट्सएप है, FM व्हाट्सएप है, और कितना व्हाट्सएप है, थर्ड पार्टी व्हाट्सएप है जो आप यूज़ करते हैं, इसके वजह से आपके साथ ऐसा होता है। तो कभी भी ये सब व्हाट्सएप यूज़ मत कीजिए, वो सिक्योर नहीं होता है, आपका डेटा कभी भी लीक होने का चांसेस रहता है। तो हमेशा आप ऑफिशियल व्हाट्सएप है जो प्ले स्टोर मिलता है उसको यूज़ कीजिए, तो आपके साथ कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो टोटल तीन वीडियो है, एक दो तीन पाँच, तीन वीडियो अगर मैंने फॉलो कर लेता है डेफिनेटली आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ, आज का जो ट्रिक्स था यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ। अगर ट्रिक्स आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।